वेलकम बैक गाइस, आज के गुड वीडियो के साथ। और गाइस, होली का काफ़ी जबरदस्त एक मज़ेदार आइटम लाए हैं, जो कि है बैलून बंच। गाइस, एक टाइम था जब स्टार्टिंग में आपको याद होगा बैलून को फुलाने के लिए, उसके अंदर पानी भरने के लिए या कलर भरने के लिए पिचकारी का यूज़ करते थे, या फिर हम टैप के नीचे लगा के बैलून को भरते थे, जिससे ज़्यादातर बैलून हमारे फट जाते थे, वेस्ट हो जाते थे, टाइम भी लगता था और ज़्यादा से ज़्यादा बैलून भी फूल नहीं पाते थे। बट ऐसे में काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है बैलून बंच करके आता है। 1 से 11 बैलून आते हैं इस पैकेट के अंदर, जो कि 60 सेकंड के अंदर भर जाते हैं बड़ी आसानी से। राइट, तो ये मार्केट में आपको 70 रुपये से लेकर 100 रुपये या 110 का आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो कुछ इसके अंदर तीन इस तरह के जो बैलून दिख रहे हैं, तीन स्टिक निकलती हैं, जो ऑलरेडी मैंने एक पैकेट यहाँ पर खोला हुआ है हमारा। राइट, इस तरह की तीन स्टिक निकलती है, जिसे डायरेक्ट आप टैप के नीचे लगा सकते हैं, इस तरह से होल्ड करके ये सारी भर जाएंगी। राइट, अब पैकेट ओपन करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट आप फ्लेक्सिबल पाइप में भी लगा सकते हैं लगाना चाहें तो। अब यहाँ पर जो ये कट बना हुआ है, ऐसे खोलना है इसको। राइट, ये आ गए हमारे बंच बाहर, तीन बंच आ गए, 1 से 11 बैलून आते हैं। अब सिंपली क्या करना होता है, इसमें ये जो यहाँ पर लग से दी हुई कीप कनेक्ट करने की, इसको कनेक्ट करना है इस तरह से, और सिंपली भाई इसे जो फ्लेक्सिबल पाइप में लगा देना है, जो आपके पास वाटर वाला पाइप होता है, या फिर आप सिंपली टैप में लगा सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं, सारे बैलून भर जाएंगे और 60 सेकंड से भी कम का टाइम लगा। तो काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है, अगर आपने खरीदा है या खरीदने वाले हैं तो कितने का मिला है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, टेस्ट करते हैं बैलून बंच को। तीन स्टिक निकलती है इसके अंदर से, टोटल इसके अंदर जो 111 बैलून निकलते हैं, जो कि 60 सेकंड में भर जाते हैं। सिंपली क्या करना होता है, ये जो कैप है इस पर लगा देनी है इस तरह से, और भाई उसके बाद जो सिंपली जो डायरेक्ट आप चाहे तो टैप में लगा सकते हैं, बट यहाँ पर जो मैं पाइप में कनेक्ट करने वाला हूँ, ये कनेक्ट करेंगे और देखो कितनी जल्दी भरती है। जैसे मैं पानी खोलता हूँ, अभी पानी आ रहा, हवा से ही भर चुके थे, अभी पानी आएगा तो पानी से भरेगा ये बस। अब देखो सोगा, ये काफ़ी ज़बरदस्त जुगाड़ है, ऑलमोस्ट काफ़ी कम टाइम में भर जाता है। सो गाइस, जैसे ये बैलून सारे भर जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक अपने आप ही बाहर निकलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमें निकालना पड़ेगा, जैसे ही फुली भर जाते हैं और काफ़ी कम टाइम में भर जाते हैं गाइस। सो गाइस, बैलून ऑलमोस्ट भर चुके हैं, आपको लगता है कि भर चुके हैं काफ़ी, तो आप झटके देके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये एक प्रेशर के बाद जो अपने आप भी निकल जाते हैं। अब जैसे इसमें निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ गिरेंगे यहाँ पर, ये गाइस काफ़ी बड़े हो चुके हैं, जैसे कि फल लग रहे हो किसी तरह के, आम का फल हो या किसी चीज़ का, संतरा हो, संतरा जैसे तो लग नहीं रहे। खैर, अब देखो गाइस, इस तरह से निकलने शुरू हो जाएंगे। पानी बंद कर दे, पानी बंद कर दे। सो गाइस देख सकते हैं काफ़ी सारे बैलून कितनी जल्दी भर गए। यहाँ पर मैंने पाइप कनेक्ट कर रखा था, आप सिंपली डायरेक्ट टैप से भी कनेक्ट करके लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़बरदस्त है। अब देखो कितनी जल्दी कितने सारे बैलून भर गए, वरना पिचकारी से या सिंगल सिंगल बैलून भरना पड़ता है, जिसमें काफ़ी सारे बैलून फट जाते हैं। राइट, तो गाइस है ना मस्त जुगाड़।